2021 में कोरोना की दूसरी लहर के कारण CBSE ने 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी। इसलिए 2022 की परीक्षा के लिए बोर्ड ने एक नया नियम तैयार किए थे, जहां CBSE के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को मद्देनजर रखते हुए 2022 में बोर्ड परीक्षा के लिए स्पेशल स्कीम तैयार की गई थी, जिसके तहत क्लास 10वीं और 12वीं को दो टर्म में बांटा गया था। आपको बता दें कि दोनों टर्म्स के अंत में एग्जाम लिए गए थे, दोनों में सिलेबस को भी अलग अलग किया गया था। बात की जाए फर्स्ट टर्म की, तो अंत में बोर्ड टर्म वन का एग्जाम बोर्ड द्वारा लिया गया था, जो कि नवंबर दिसंबर 2021 के बीच लिया गया था, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए थे। वहीं बात की जाए एग्जाम टर्म टू की, तो यह एग्जाम ईयर के एंड में लिया गया था, जो कि CBSE द्वारा ही लिया गया था, जिसमें शेष 50% सिलेबस से ही सवाल पूछे गए थे। यह परीक्षा जो है वह मार्च अप्रैल 2022 के बीच ली गई थी। वहीं अब बात की जाए CBSE की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, तो इस साल दो बार प्री बोर्ड परीक्षा होगी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार CBSE ने इसे लेकर विद्यालयों को गाइडलाइंस भी भेज दिए हैं, जिसके बाद स्कूलों में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक दिसंबर माह में पहला एवं जनवरी माह में दूसरा प्री बोर्ड का एग्जाम आयोजित किया जाएगा। गौरतलब यह है कि CBSE बोर्ड परीक्षा 3 साल में पहली बार ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा रही है। ऐसे में छात्रों को लिखित परीक्षा की प्रैक्टिस करवाने के लिए प्री बोर्ड परीक्षा को 2 बार आयोजित किया गया है। यही नहीं, अगर छात्र परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो उसके लिए स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस चलाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड ने विद्यालयों से कहा है कि प्री बोर्ड के नतीजे के आधार पर हर छात्र की विषयवार आकलन रिपोर्ट निकाली जाए और इसी के आधार पर एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाए। वहीं जानकारी ये भी है कि प्री बोर्ड परीक्षाओं में बोर्ड परीक्षाओं जैसे ही व्यवस्था की जाएगी, जिसमें छात्र मुख्य परीक्षा से पहले अच्छे से तैयार कर सकें। आपको बताते चले कि CBSE में 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षा फरवरी माह से शुरू होगी। हालांकि सटीक तिथियों की जानकारी बोर्ड की ओर से जल्द ही साझा की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।